एक समय था जब माना जाता था कि यह बीमारी बहुत ज़्यादा संक्रामक और विनाशकारी है। आज के दिन में ऐसा नहीं है, हम जानते हैं ये बहुत ज़्यादा संक्रामक नहीं है और इसका इलाज उपलब्ध है। मैं बात कर रही हूँ लेप्रसी, हैंसन्स डिजीज़ या कुष्ठ रोग की। मैं डॉक्टर अंकिता बैद्य, इन्फेक्शस डिजीज़ कंसल्टेंट, मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली से लेप्रसी के बारे में बात करने जा रही हूँ। कुष्ठ रोग एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री या माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमाइटोसिस से होता है। ये हमारे स्किन को, हमारे नर्व्स को, हमारे आँखों को अफेक्ट करता है। कुष्ठ रोग के जो शुरुआती लक्षण होते हैं ये हमारे स्किन पे देखने को मिलते हैं। इसमें सफ़ेद लाइट पैच स्किन के ऊपर आ जाता है जिसे हम कहते हैं हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स। तो फ्लैट सा बिल्कुल सतह पे बराबर सा लीजन होता है जो कि नॉर्मली जो हमारा स्किन का जो कलर होता है उससे हल्का होता है और ये सबसे शुरुआती लक्षण होता है। अगर इस समय ही इसको देख लिया जाए तो ये आगे की तरफ नहीं बढ़ता है। उसके जो प्रॉब्लम्स आते हैं लेटर ऑन, जो हम कहते हैं अनट्रीटेड लेप्रसी, उसमें जो नर्व्स की प्रॉब्लम आती है या आँखों की प्रॉब्लम आती है या डिसफिगरमेंट की, हमारे चेहरे का बिगड़ जाना या हाथों का बिगड़ जाना क्योंकि उसकी जो नसें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो गर्म और ठंडा का पता नहीं चलता या चोट लग जाती है, ज़ख्म होता है तो इन्फेक्ट हो जाते हैं और वो झड़ने लगते हैं। तो कॉमनली जो हम पहले देखते थे कुछ स्ट्रोक के लक्षण, वो शुरुआत के समय अगर उसकी इलाज नहीं शुरू की जाती है तो इस तरह से वो आगे की तरफ बढ़ते हुए शरीर को इस तरह से डैमेज करता है। सो काफ़ी सारी कुष्ठ रोग के साथ ना विभिन्न मान्यताएं, मैं कहूँगी मिथ्स जुड़े हुए हैं, जिसमें कि माना जाता था कि जो कुष्ठ रोगी व्यक्ति हैं उसने अपने जीवन में या अपने पिछले जन्मों में कभी कुछ ऐसा गलत काम किया है जिसके कारण ईश्वर द्वारा उनको सज़ा मिल रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया के कारण होता है, किसी कर्मों के कारण नहीं होता है। तो इसीलिए हमें इस मिथ को हटाना है और समझना है ये एक इन्फेक्शन है, इसका इलाज पूरी तरह संभव है। अगर सही समय पर इलाज करते हैं तो जो इसकी कॉम्प्लिकेशन या परेशानियां होती हैं बिना इलाज के, कि हाथों की उंगलियां झड़ जाती है या फेस ख़राब हो जाता है, चेहरा खराब हो जाता है, आँखें खराब हो जाती हैं, उनसे बचा जा सकता है सही समय पर इलाज करने से। कुछ स्ट्रोक जो है वो नाक के सिक्रीशन से, जो इन्फेक्टेड संक्रमित व्यक्ति होता है उसके नाक के सिक्रीशन से या उसके चमड़े की चमड़े से कांटेक्ट आने में फैलता है। बट मैं कहूँगी कि ये बहुत ही स्लो फैलता है, तो किसी को बहुत समय तक किसी कुष्ठ रोगी व्यक्ति के संपर्क में रहना होगा तब वो फैलता है, या किसी की इम्यूनिटी बहुत डाउन है तब उसको संक्रमण का खतरा रहता है। कुछ रोग अगर लंबे समय तक हमारे शरीर में रहता है तो हमारी नसों को कमज़ोर कर देता है। नसें कमज़ोर होने से ये होता है कि आपको गर्म ठंडे का पता नहीं चलता, आपको चोट लगती है तो आपको पता नहीं चलती, तो ज़ख्म जो होते हैं वो भरते नहीं हैं, आप उसका इलाज नहीं करते हैं और लंबे समय तक ऐसा होने से आपकी उंगलियाँ कमज़ोर होकर झड़ने लगती हैं। साथ ही साथ अगर चेहरे पर कुछ रोग प्रभावित करता है तो उसमें चेहरा जो है वो ख़राब हो जाता है। सो ये जो प्रभाव देखे जाते हैं कुष्ठ रोग का, जब वो इलाज नहीं होता है तब। कुष्ठ रोग का प्रभाव हमारी आँखों पे भी पड़ सकता है, जिसमें कि आँखों की रोशनी कम हो सकती है कुष्ठ रोग के इन्फेक्शन के कारण, जो अगर काफ़ी लंबे समय तक है और इलाज नहीं किया गया है उसका। कुष्ठ रोग की डायग्नोसिस के लिए जो स्किन स्क्रेपिंग्स होती हैं या स्किन की बायोप्सी होती है वो ली जाती है और उसमें ये बैक्टीरिया देखा जाता है। इस तरह से कुष्ठ रोग को डायग्नोस करते हैं। कुष्ठ रोग का जो इलाज है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसमें कुछ टैबलेट्स चलती हैं जो एंटीबायोटिक्स होता है। इलाज थोड़ा लंबा है और डिपेंड करता है कि किस तरह का आपको कुष्ठ रोग है।
इस हिसाब से इसका 6 महीने से 12 महीने तक इलाज हम करते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव है, पूरी तरह से क्योर हो जाता है कुष्ठ रोग। और जब आप इलाज में होते हैं तो किसी और को संक्रमित करने की संभावना भी बहुत हद तक कम हो जाती है। साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपका कोर्स है 6 महीने या 12 महीने का, आपके डॉक्टर की एडवाइस पे उसको ज़रूर आप कंप्लीट करें ताकि ये पूरी तरह से जड़ से ये बीमारी आपके शरीर से ठीक हो जाए। Thank you.